Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So let us solve our question here. हम लोग question solve करते हैं. We have to find the value of x minus a whole cube plus x minus b whole cube plus x minus c whole cube minus 3 x minus a x minus b x minus c. हमें इसकी value find करनी है. ठीक है, तो इसका हमें values find करनी है. इसमें given है कि a plus b plus c equal to 3x. जब ये हम ये वैल्यूज रखेंगे तो उस टाइम पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. इजी है, हम लोग इसको जो हम लोग की आइडेंटिटीज है उसकी हेल्प लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट आई एम राइटिंग डोंट राइट हियर योर क्वेश्चन. दिस इज x माइनस ए होल क्यूब प्लस x माइनस बी होल क्यूब प्लस x माइनस सी होल क्यूब एंड माइनस 3 x माइनस ए x माइनस बी एंड x माइनस सी. ये हमारा क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ध्यान से देखने पे क्या लगेगा कि अगर हम यहाँ पर ये अलग क्वेश्चन लिख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कैपिटल सी क्यूब. ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कुछ वैसे ही है, माइनस 3 ए B, C. A means x minus A, B means x minus B, C means x minus C. कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हमें ऊपर वाला दिख रहा है. और ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है A plus B plus C. In bracket we have A square plus B square plus C square माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. इस टाइप के हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है. तो इट मीन्स दैट इसके प्लेस पे हम ये वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वाली वैल्यूज रख सकते हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पे जब हमने ये कंपेयर किया, जब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे हमें ये कुछ वैल्यूज मिलेंगी. वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, नाउ लेट अस राइट हियर. वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है x माइनस ए, कैपिटल बी की वैल्यू हमारे पास है x माइनस बी, कैपिटल सी की वैल्यू है x माइनस सी. ठीक है, जब हमने इस आइडेंटिटी से कंपैरिजन किया अपने ऊपर वाले को, तो व्हेन वी फाइंड व्हेन वी कैन राइट हियर, हम लोग लिख सकते हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल. सो ए कैपिटल ए की वैल्यू x माइनस ए, x माइनस ए प्लस कैपिटल बी की वैल्यू एक्स माइनस बी प्लस कैपिटल सी की वैल्यू एक्स माइनस सी. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ए प्लस बी प्लस सी. नाउ वी हैव टू राइट ए स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर, सी मीन्स एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, then minus AB, that is x minus A, x minus B. Then again minus BC, x minus B into x minus C. Now then minus x minus C into x minus A. We can write it. हम इसको लिख सकते हैं by using our identities. So हम इसमें क्या देखते हैं कि देखिए यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स, हम इसको ब्रैकेट से बाहर ऐसे लिखेंगे तो इट विल बिकम 3x एंड वी गेट हियर माइनस ए माइनस बी माइनस सी. सो इस माइनस को हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो इन ब्रैकेट वी गेट हियर ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू मिल जाएगी. नाउ अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने के बाद देखते हैं कितनी वैल्यू मिलेगी. सो दिस इज आर x माइनस ए होल स्क्वायर, सो वील अप्लाई हियर आर फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो वी गेट हियर x x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2xb, नाउ प्लस x माइनस सी होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2xc. नाउ माइनस में x माइनस और x माइनस बी इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी गेट हियर, माइनस v
we get here x square minus ax minus bx and plus ab, ये वैल्यू मिल जाएगी. नाउ अगेन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स एंड प्लस बी सी. नाउ यही से जस्ट नीचे हम लिख दे रहे हैं माइनस में, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट हेयर वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स एंड प्लस ए सी. नाउ सी हमारे पास यहाँ थ्री एक्स माइनस में और इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू गिवन है. देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू हमारे पास है थ्री एक्स, सो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं. इट मीन्स दैट थ्री एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थ्री एक्स है, तो यहाँ हम थ्री एक्स वैल्यू रख दे रहे हैं. ठीक है, प्लस इसके बाद जो पूरे इतनी बड़ी सी एक्सप्रेशन हमने लिखा है एक्सप्रेशन यहाँ आप अंदर लिख दीजिएगा. ठीक है, अब यहाँ देखिए 3x माइनस 3x ये वैल्यू आ जाएगी जीरो. अब ये जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है ये जो अंदर को बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है. ठीक है, बड़ा सा एक्सप्रेशन मतलब ये जो अंदर पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है पूरा यहाँ तक का. तो ये जब जीरो की मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर के साथ में होना है तो वो वैल्यू हमें कितनी मिलती है जीरो. ठीक, तो यही हमारा इसका आंसर आ गया कि हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन वी गेट हियर आंसर जीरो. बस यही आंसर है, सिंपल है क्वेश्चन सॉल्व करना, आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लास. नाउ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे.